हेलो फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ मार्क इम्प्रूवमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के एक हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक उसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक्चुअली बनाते क्या है तो हम उसके पहले एक डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मल एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्रॉ ओनली फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ गिवन ट्रंकेट कोन इन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल मेथड से। हमें एक ट्रंकेट कोन दिया है जो आपको इसका पिक्टोरियल व्यू दिख रहा है। इसका आपको फर्स्ट एंड थर्ड एंगल मेथड में आपका इसको ऑर्थोग्राफिक में हम इधर एक्सप्लेन किया है। इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड हियर इज फर्स्ट एंगल थर्ड, मैं दोनों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको इसको अभी डिस्कशन में आपको इसका पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ। तो जैसे कि इसने कहा गया कि एक ट्रंकेट कोन है, देखिए इधर से भी ओपन है और इधर से भी ये कैसा है। तो और इसका जो लेंथ है वो 40 है और मुझे जो बड़ा वाला इसका जो डायमीटर है इसका वाला वो 40 है और स्मॉल इधर का इसका 20 है। अब पिक्टोरियल व्यू में क्या दिया है आपको कि इधर से आपको राइट साइड में ये जो दिख रहा है या एफ यू व्यू दिखे, इसका मतलब आपको फ्रंट व्यू यहां से आपको निकालना है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इधर से आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है। बस उतना अच्छा कहा गया है यहाँ पे, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू आपको निकालना है। ओके, तो जैसे कि सभी को पता है कि अभी तो आप स्कूल कॉलेज में जो आपको आईटीआई में जो पढ़ रहे हैं उसमें से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल कैसे निकाले जाते हैं। बस मैं उसको एक और लुक दे रहा हूं मैं, और उसको थोड़ा डीपली जाने की कोशिश है ये। तो हम इसको फ्रंट व्यू एंड थर्ड व्यू में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि थर्ड एंगल मेथड में जो चीज जैसी दिखती है वैसी ही आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ता है। बात बराबर है? जो चीज आपको जैसी दिख रही है, आपको जिस साइड में फ्रंट व्यू कहा गया है, जिस साइड में साइड व्यू कहा गया है, उसी हिसाब से आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम पहले थर्ड एंगल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ फ्रंट व्यू राइट साइड में है, तो हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू राइट साइड में निकाल लिए। देखिए कोण निकाल लिए हम यहाँ पे, इधर स्मॉल वाला इधर इधर से देखूंगा तो आपको पोर्शन लाइक दिस ऐसा मिल दिखेगा, ये ऐसा दिखाई जाएगा फ्रंट। हम थर्ड एंगल की बात करें फिलहाल, ये ऐसा दिख जाएगा, ये फ्रंट व्यू साइड में ऐसा दिखेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है फ्रंट व्यू। अब इसका डायमेंशन मेजर डायमीटर जो जितना था वो इधर बना लिए है और जो स्मॉल डायमीटर थे उतना बना दिए, और इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से हमने 40 यहाँ पे रख दी है। ओके, तो ये हो गया इसका हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है थर्ड एंगल मेथड में, जिस साइड में साइड व्यू है उसी साइड में हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो लेफ्ट साइड में इसका साइड व्यू, तो लेफ्ट साइड में इसको मैंने लेफ्ट बना दिया। आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है आपका, इसलिए स्मॉल सर्कल दिख रहा है आपको जिसका डायमीटर यहाँ पे 20 लिखा है मैंने, और यहाँ पे बड़ा डायमीटर है जो है 40 डायमीटर। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली परफेक्ट पहले नहीं बनाया इसको, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया यहां से पैरेलल लाइन। तो ये मुझे अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा, क्योंकि मेजर जो डायमीटर है इसका सर्कल वाला यही ये इसका कोन का है, और स्मॉल वाला डायमीटर जो वही है स्मॉल इसका सर्कल का है। तो आप पैरेलल निकाल लो, ये अपने आप डायमेंशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से आप थर्ड एंगल पोजिशन निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये कैसे दिख रहा था अभी इसका साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में ये स्मॉल सर्कल था इसका, और देन ये पीछे वाला भी आपको दिख रहा था बड़ा साइज था, इसलिए तो इसके साइज का ये वाला था, ऐसे आपको ये दिख रहा था। और ये सेंटर में होने से ये सेंटर लाइन है, यहां से ऐसे आपको डिस्टर्ब करने पड़े। इस हिसाब से आप ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड निकाल के व्यू निकाले आपने। ठीक है, देन बात करते हैं फर्स्ट एंगल की मेथड की भी। बात सेम वही है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट एंगल मेथड में हर चीज उल्टी होती है, यानी जो जहां हो चीज होती है वो वहां पे निकल, तो उसके मिरर इमेज हम यहाँ पे बनाते हैं हर चीज का। तो अब देखिए कि यहाँ पे फ्रंट व्यू मैंने राइट साइड पे था, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल मेथड में। तो मिरर व्यू इसका हम निकालेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू में राइट में था तो निकालते तो हमने लेफ्ट साइड में निकाला, जो जैसा आपको दिखाया था कौन दिख रहा था वैसे कौन यहाँ पे बनाया है। ओके, देन जो इसका लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू था ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, और वो कैसे दिख रहा था आपको,
ये स्मॉल सर्कल था दिख रहा था, उसके बाद बड़ा सर्कल दिख रहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दिख रहा था, बट ड्रॉ करते होंगे इसको हम राइट साइड में ड्रॉ करते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है, बस ओनली हम इसका साइड का डिफरेंस है। ये एज इट इज बनाना पड़ता है थर्ड एंगल मेथड में, और फर्स्ट एंगल जो मेथड में आपको इसका मिरर इमेज में क्रिएट करना पड़ता है, यही दोनों में सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आप तो समझते आए हैं ये सब चीजें, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिवाइंड तोड़ के आपको ये मैं चीजें बता चुका हूं। अभी मैं बताऊंगा कि हमारे बेसिक जो मार्क इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, कि सबसे पहले आपको क्या करना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लाइंस होता है इनका अलग अलग इस्तेमाल करना है, अलग अलग विद पेंसिल का इस्तेमाल करके। मैंने लास्ट मेरे एपिसोड में जो मेरे आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो नीचे ऊपर के दिए गए मेरे बॉल आइकन पे वहां पे क्लिक कीजिए, आपको मेरा पिछला वीडियो पता चलेगा कि हमने टाइप्स ऑफ पेंसिल में बताया गया था कि हर पेंसिल का हर लाइन में अलग अलग इस्तेमाल होता है और उनके ऊपर आप मार्किंग बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही है, आप विजिबल लाइन्स है, कुछ सेंटर्स लाइन है, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन्स है, कुछ डायमेंशन लाइन, कुछ एक्सटेंशन लाइन। तो अभी जो मेरे पास जो पेन थे तो उसके पेन का इस्तेमाल करके मैं कुछ बनाया है, लेकिन आपको वैसे ही सेम का पेंसिल का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एच हो गया, 2H हो गया, 3H हो गया, HB हो गया, अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, एक से मार्क बन जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब भी आप ये चीज करोगे तो उसमें आपको क्लियरिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने यहाँ पे कर दिया, ये जैसे दिख रहा है कि हमने इसको ऐसा कुछ ऐसे शीट ऐसे जो डार्कनेस आएगा, डार्कनेस नहीं आने को ना आपके, जैसे कि हमने कुछ बना लेते हैं ऐसे ये यहाँ पे और इसको हमने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाता है, ऐसा रह जाएगा। तो इसमें शीट में क्या हो जाएगा कि आपका डार्कनेस दिखेगा इसमें, और डार्कनेस दिखेंगे तो दिखने में क्या हो जाएगा, इसका बैड इंप्रेशन होता है। क्योंकि एक ये जो कॉमन प्रिंसिपल है कि हमारे को कोई खराब चीजें आपको हमें सबसे पहले ध्यान में आती है, कोई डाउट वगैरह इसमें ऐसा रहा तो। कुछ अच्छी चीजें भी है लेकिन उसके साथ में कोई डाउट भी पॉइंट भी रहा तो हमें सबसे पहले वो पॉइंट दिखाई देता है, हमें वो निगेटिव पॉइंट दिखती है, तो आपको वो चीजें इग्नोर करना है, आपको ऐसे निगेटिव चीजें रखना है नहीं कभी भी। थर्ड, अभी ये तो ये हो गया, उसके साथ में अच्छे से डायरेक्ट इस पे आप डायमेंशन लिखना है, कम से कम जगह में आप डायमेंशन लिखने की कोशिश करना यहाँ पे, कौन सा एंगल का ये है, और साथ में एक भी लिखने का ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन में जो यहाँ पे डायमेंशन दिए थे वो एमएम में थे, इसलिए मैंने ये एमएम में लिख लिया। अभी मान लीजिए कि आपके पास अभी 20 मार्क का एक सवाल है, तो वो सवाल में आपको क्या निकालने बोलता, फ्रंट व्यू निकालने बोलेगा, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। ओके, तो आप लाइक ऐसे दिख निकालोगे आप यहाँ पे कैसे भी हो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 20 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अभी, तो आप वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो इसमें से आपके 5 मार्क टॉप व्यू पे दे देंगे, 5 मार्क फ्रंट व्यू पे, 5 मार्क साइड व्यू पे। ओके, तो ये तो हो रहे हैं 15 ही मार्क हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल 15 ही हो रहे ना, लेकिन अभी 5 मार्क आपके कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 5 मार्क कहाँ पे इंक्रीज करोगे, तो आपको क्या बनाना निकालना पड़ेगा, एक टाइप्स ऑफ पेंसिल बनाना आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ यह है पेंसिल का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो जो कि मैं लास्ट एपिसोड में मैं बता चुका हूं वहां पे। अगर आपको इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी भी ऊपर दिए मेरे जो बेल आइकॉन है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, वहां पे मेरा पिछला वीडियो दिया जाएगा, उससे आप उसको पता चल जाएगा कि पेंसिल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल करते जाए। अभी होता क्या है कि अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल कब करेंगे हम, क्यों अलग अलग लाइन के ऊपर, क्योंकि हिडन लाइन, डॉटेड लाइन, विजिबल लाइन, आउट लाइन, डायमेंशन लाइन या लेटरिंग के लिए अलग अलग इसके लिए हम इस्तेमाल होंगे, वहां पे हम आपके मार्क बढ़ जाएंगे। सेकेंडली, आपको जो डायमेंशन लिखना है, जो डायमेंशन भी आप जहां पे लिखोगे वो भी हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर में होना चाहिए आपके डायमेंशन की, और इसमें एक्यूरेसी होना चाहिए आपने जो बनाया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 40 लिख दिया मैंने, यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे बन रही है 38 की बन रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है आपके, इसके ऊपर मार्क बढ़ जाएंगे आपके। उसके ऊपर बाद आपको आ जाएगा कि मान लीजिए कि यही मेरी शीट है, और शीट में अगर मैं कुछ क्लियरिटी मेंटेन करना, क्लियरी, क्लियरिटी, क्लियर, तो अगर इसमें कुछ
अच्छा देखिए, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ खराबा कर दिया यहाँ पे, तो ये शीट पे थोड़े गंदी हो जाएंगे, तो इसका बैड इंप्रेशन हो जाएगा, तो इसके ऊपर या डार्कनेस हो जाएंगे, इरेज करते हो तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको शीट को क्लियर रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिम्बॉल बनाना पड़ेगा कि अगर आप जो बना रहे हैं, आप जो पिक्टोरिव्यू से जो फर्स्ट एंगल मेथड में बना रहे हैं ऑर्थोग्राफिक में या थर्ड एंगल मेथड, तो उसको सिम्बॉल बनाना भी जरूरी हो जाएगा, इसके ऊपर भी मार्क आएंगे। फिर लिखना पड़ेगा कि जो आपको जो डायमेंशन दिया है, मे भी हो सकता है कि फुट इंच में दिया रहेंगे, लेकिन वो हमें फुट या इंचिस में, तो हम ड्रॉ तो कर काय में कर रहे हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में जो अभी जो भी कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले कन्वर्सेशन के साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि ये पूरे जो डायमेंशन है आपके, ऑल डायमेंशन आर एमएम वगैरह में है, तो आपको ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा, डायमेंशन के जो काय में था वो एमएम वगैरह में था। तो जो अलग अलग जो आपको दिया है मैंने यहाँ पे, पेंसिल का इस्तेमाल, लाइन का इस्तेमाल करना है आपको, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्लियरिटी मेंटेन करना है, सिंबल देना है, डायमेंशन लाइंस वगैरह जो बनाना है, ये हर चीज आपको यहाँ पे नोटेट करना है। तो ये हर चीज नोट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इसके 5 मार्क एडिशनल बढ़ जाएंगे, आपके 5 मार्क एडिशनल बन जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा यहाँ आपको। तो इस हिसाब से आपका मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला टॉपिक। और तो अभी तक हमने यहाँ पे तो अलग अलग पेंसिल की बात की है, डायमेंशन लिखने की बात की है, अभी मैं बताऊंगा कि सिंबल ही हमारे पास अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी आप निकालो, कोई भी शीट निकालो, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की, उसमें आपको सिंबल निकालना कंपलसरी है। अगर आप सिंबल निकालते हो, उसके ऊपर आपका एडिशनल मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक करते हैं सिंबल निकालने में, तो आप वो सिंबल में मिस्टेक आप नॉर्मली कैसे करते हैं, वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इसको क्लियर कर रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आपको कोई भी फर्स्ट एंगल या थर्ड सिंगल एंगल का सिंबल आपको निकालने के लिए जब भी कहा जाता है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली एक मेजर सर्कल बना लेते हैं, एक माइनर सर्कल बना लेते हैं, और इस मेजरमेंट में आप यहाँ पे ऐसा ये बना लेते हैं। ओके, ये बराबर है, कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन इसमें कहाँ पे आप एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हो मैं आपको अभी यहाँ पे शो कर रहा हूं। तो आप कभी भी क्या करते हो, ऐसे एक सिंबल बना देते हो कि यस ये हमारा सिंबल ओके हो गया, या आप हो सकता है कि ये ऐसा सिंबल बनाते होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इसका मेथड में इस्तेमाल कर रहे हो सिंबल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऐसे सिंबल बना लेते हैं, बनाते हैं तो आप फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाइए, थर्ड एंगल का सिंबल बनाइए, आप लेफ्ट साइड में बकेट रखिए, राइट साइड में बकेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसका जो जो स्मॉल साइज जो आप सर्कल के पास रखें, तो वो आपका थर्ड एंगल एंगल में हो जाता है, या मेजर साइड आपका सर्कल के पास रहा तो वो आपका फर्स्ट एंगल एंगल होता जाता है, होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इधर में रखिए या इधर में रखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि ये वही यही अभी एग्जाम्पल में मैं आप इसको भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, आप लेफ्ट में बनाइए या राइट में बनाइए, दोनों सिंबल एक ही छे फर्स्ट एंगल के सेम, ये भी वही है। अब दोनों में देखिए, दोनों में कोई गलत चीज ये नहीं है, यहाँ पे मैंने राइट में निकाला था, ये बकेट निकाला था, ये यार लेप लगा गई, लेकिन देखिए यहाँ पे सर्कल के नियर में क्या है, स्मॉल वाला साइड है इधर, और इसमें है, आप ये भी राइट है, ये भी राइट है, कोई भी निकालिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं अभी ये हम हमेशा यही इस्तेमाल करते आते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, मैं वो उसके ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। अभी देख पा रहे हैं आप एक बेसिक आप सिंबल देख पा रहे हैं इसमें, तो जो हम सिंबल निकालते हैं इसमें, तो हम नॉर्मली बहुत बार हमारे मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक कैसी होती है, पहले मैं वो सिंबल आपको समझा देता।
कुछ ट्रेनें ऐसे सिंबल निकाल लेते हैं लाइक दिस, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऐसे सिंबल्स निकाल लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सिंबल निकाल लेते हैं। तो देखिए हर इसमें सिंबल अलग अलग इसमें निकाला है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो सिंबल निकाले हैं तो तरीका सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? देखिए यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है ये सर्कल का और या बकेट का, ये बहुत मेजर ज्यादा, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें बहुत नजदीक है यहाँ पे, ये भी ज्यादा ये है, ये भी इसमें देखिए बकेट साइज ये भी साइज ज्यादा डिफरेंस है, सर्कल से साइज ये दोनों में डिफरेंस ज्यादा रहा है। इसमें बकेट का साइज जो छोटा कर दिख रहा था, यहाँ पे एक्यूरेसी ठीक है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली हम जब भी सिंबल निकालेंगे विथ हमारे के बेसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से सिंबल निकालना पड़ता है, तो वो सिंबल कैसे रहेगा उसका चेक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आपको अभी इसके बाद जब भी सिंबल निकालोगे यही फॉर्मेट का इस्तेमाल करोगे आप, और आपके मार्क मिल ही जाएंगे आपको। इससे आप मार्क इंप्रूवमेंट होता है। आप नॉर्मल जब भी ड्रॉइंग में निकालते हैं आप एग्जाम कुछ भी यहाँ पे ऐसे सिंबल निकलते, कोई ऐसे निकाल लेते हैं, कोई ऐसी स्मॉल भी निकाल लेते हैं, तो इससे आप क्या होते हैं मार्क इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहे। ये कॉमनली मिस्टेक आप मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। तो आप जब भी अभी आपको मार्क इंप्रूवमेंट करना हो तो आप ऐसे निकालने से उतना ही समय लग रहा है, इस फॉर्मेट में निकालोगे उतना ही समय लगने वाला है, बट क्या हो जाएगा इससे आपके मार्क इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो एक बिग सर्कल है, बिग सर्कल का एक हमने डायमीटर डोनेट किया है, डी एच होता है सेंटर। तो जहां से हमारा जो एक बकेट का एक स्टार्ट हो रहा है मेजर पार्ट चालू हो रहा है, इसका डिफरेंस हमने 1/4 d यानी 1.25 d का ये डिफरेंस रहेगा डायमीटर का, इतना इंटू करके। फिर यहां से जो बकेट का साइज रहेगा वो भी रहेगा डी, यानी डायमीटर जितना रहेगा वो रहेगा इतना। अब यहाँ पे क्या होता है ये यहां से जो स्लोप बनता है इस साइड में ऊपर से और नीचे से, अब दोनों ये ऐसे जाते के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता बनता है यहाँ पे, तो उसका वन साइड का जो डिग्री होता है वो हो जाता है 30 डिग्री ऑब्वियसली। तो अगर हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते लाइक दिस, अगर मान लेते कि ये ऐसा बन गया है, अभी दो पार्ट में डिवाइडेशन करते तो ये 15 डिग्री का बन जाएगा ये, और ये भी 15 डिग्री का, और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का हो ही गया, ये 90 90, ये 15 90, तो ये बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 75 डिग्री का अभी क्या करोगे, यहां तक आ जाओगे और 75 डिग्री के यहां बन जाओगे, ऐसे आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल बनने के बाद क्या करोगे, आपका जो डा साइज डी था तो ये साइज से लेके आपका डी यहाँ पे रख दोगे, ये आपका ऐसा डी बन जाएगा, इसके बाद डार कर दोगे। अब ये डी बनने के बाद आपके यहां से लेके इधर ऐसे पैरेलल लाइन निकालो, अब जितना साइज होगा उतना जो रेडियस लेके यहाँ पे सर्कल बना लो, तो ये बन जाएगा आपको प्रॉपरली सिम्बॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मेट पे चल रहा है, तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मैं ये कैसे बन रहा है करके मान लीजिए कि ये मेरे साइज है, इसका 40, इसका साइज था मेरा 20 था, 20 का मैंने एक डायमीटर का बड़ा सर्कल बना लिया। मैंने अभी इसको मैं ये कर लेता रिपीट कर, सबसे पहले अभी देखो मैं ग्रीन से भी इस साइड में बना लेता हूँ, शायद आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये मैंने बना लिया एक बिग सर्कल बना लिया, और इसका एक सेंटर पॉइंट भी है, और इसको मैंने ऐसे एक पैरेलल लाइन बना ऐसे राइट डाउन कर लेता। स्टार्टिंग आप यहां से कीजिए, बड़ा सर्कल बना लीजिए जिसका साइज अभी मैंने डी इज इक्वल टू 20 रख दिया है, और ये इसका सेंटर लाइन वगैरह है, ये हो गया। फिर आपको डी से क्या लेना है, ये डी बन गया, फिर सेंटर लाइन से आप ये जो लाइन निकालना है यहां से निकालना 1.1 × 1/4 d, यानी ये हो जाएगा यहां से यहां तक। ये मैं मेजरमेंट से नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूं आपको, और ये डिफरेंस हो जाएगा आपका डायमीटर, इसका साइज हो जाएगा ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा 25 d का 1/4 × 20 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25 का, ये यहां पे निकल जाएगा। उसके बाद में आप क्या कीजिए, यहां पे एक 75 डिग्री का हम आप एंगल बना लीजिए, यहां से आप 75 डिग्री का ऐसे एंगल बनाएंगे 75 डिग्री में, ठीक है 75 डिग्री में बन जाओगे, तो आपका ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा।
ट्रायंगल बन जाने के बाद अब जो जिसका डायमीटर जितना था तो उतना डायमीटर हम यहाँ पे एक जितना साइज डायमीटर का था उतना चीज यहाँ पे हम ये कर देंगे। तो ईच का साइज हम इसको ये बन गया। अब इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, मैं ग्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं ग्रीन से मैं ये बन गया सिंबल का। और बाकी का ये 30 डिग्री में देख रहे हैं, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ओके देन मैं क्या करता हूँ, अभी जो यहाँ पे जो पीछे का जो छोटा वाला सर्कल निकला है इसका मैं साइज देख लेता हूँ कितना है, और इसको मैं एज ए पैरेलल में इधर से लाइन बना लेता हूँ। लाइन बना ले, अब छोटा सर्कल का साइज जो भी आया होगा वही सर्कल का आप यहाँ पे रख दो, रेडियस रख दो, और यहाँ पे आप एक इसका सर्कल बना लो जिसका ये वाला जो साइज होगा रेडियस या डायमीटर का वो बन जाएगा। इस हिसाब से आपका प्रॉपरली सिंबल बन जाएगा। और यही आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है, हर जगह आप कितना बड़ा सिंबल बना रहे हो, हमको बहुत बार क्या होता है कि ड्राइंग शीट होती है बड़ी सी और छोटा सा सिंबल निकालते हैं, ये तो उस हिसाब से भी बेटर नहीं है। अगर आपके पास वो सिंबल का एक डायमेंशन दिया है कि ये नहीं ये डायमीटर का आपको सिंबल बनाना है, तो यही आपको बेसिक के ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से आपको सिंबल बनाना है। इससे आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। नॉर्मली क्या होते हैं, हम बोलते हैं सिंबल निकालना है यहाँ ऐसा बिल्कुल निकालना है, तो आप हमें कभी ध्यान नहीं देते किस हिसाब से सिंबल बनाना है, एज ए बना रहे। लेकिन सिंबल बनाने का बेसिक तरीका यही है, आपको इसको ही फॉलो करना है। और आपके आप अभी जब भी निकालोगे सिंबल निकालने, आपके मार्क गेन होते हुए देख पाओगे, आप इम्प्रूवमेंट हुए हुए देख पाओगे। बट उसके लिए यही फार्मूला है। इसके व्यतिरिक्त आप जब भी सिंबल निकालोगे तो उसमें से आपके माइनस होने के चांस रहते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताता था सीक्रेट्स ऑफ मार्क इम्प्रूवमेंट, यही सीक्रेट्स है सिंबल निकालने का। और आप जब भी ड्राइंग का इस्तेमाल करोगे तो आप यही सिंबल करेंगे और इससे आपके मार्क गेन हो जाएंगे। तो आई होप आपको मार्क गेन करने का मैंने जो तरीका बताया है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको आप ये तरीके से इम्प्रूवमेंट कीजिए और 100% आपके मार्क गेन हो गए। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू वेरी मच।